Hello, dear students. This is Saket sir here. I am fine and hope you will be fine too at your home. Students, as we have already discussed in detail about the story of this chapter which you are watching on the screen, with the role of every character of this story, as like author Michael Morpurgo himself, British leader, army. Jim McPherson, his wife Connie, and German army leader Hans Wolf. We have already discussed about this all in the first chapter of Honeydew, the best Christmas present in the world. That how the letter of Jim's for her wife becomes a beautiful and the best present of Christmas now i hope you have recalled all the points of this story in your mind. so let's begin the explanation of question answer of this chapter one by one. first comprehension check. first comprehension check i am explaining here with answer but the rest comprehension check are you will have to do yourself.

आपको मैं बता देता हूँ ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर द ऑथर फाउंड ए रोल टॉप डेस्क फॉर सेल इन अ जॉन्क जंक शॉप जो ऑथर जो होता है वो वहाँ से क्या खरीदता है जो सेल में रहता है जंक शॉप से एक रोल टॉप डेस्क है ना जंक शॉप क्या होता है जहाँ पर पुराने जो सामान होते हैं सेकेंड हैंड जो सामान होते हैं वो मिलते हैं वहाँ से वो रोल टॉप डेस्क खरीदता है जैसा कि हम लोग पढ़े हैं इस स्टोरी के चैप्टर में लास्ट लेक्चर में मैंने क्लियर किया है हर चीज़ को इट वॉज मेड ऑफ ओक वुड और वो किस चीज़ का बना होता है ओक की लकड़ी का बना होता है ओक एक पेड़ का नाम है जिसको यूज जनरली जो वुडन फर्नीचर होते हैं उनको बनाने में किया जाता है बट इट वॉज इन वेरी बैड कंडीशन यहाँ पर वेरी का जो स्पेलिंग है वो एरर है आप ठीक कर लेंगे भी ई आर वाई होता है बट इट वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन लेकिन जो उस टेबल का जो कंडीशन था वो बहुत ही क्या था खराब था बहुत ही बुरी स्थिति में वो टेबल था इसलिए कि जैसा कि स्टोरी में आपको बताया गया है क्या कि जो टेबल था वह बिलोंग करता था किस चीज़ से कॉनीम से कॉनी जो कौन थी जेम्स की वाइफ थी और एक एक्सीडेंट में उसका घर जो था जल गया था उसमें यह टेबल भी जल गया था और इस वजह से वो शायद इस टेबल को क्या कर दी थी कि बेच दी थी और उस टेबल को फिर से राइटर ने ऑथर ने खरीदा है और ख़रीद करके उसको लाया है और देखा कि ये बैड कंडीशन में फिर उसको वो रिपेयर करता है पूरी स्टोरी आप पढ़े ही हैं सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर You can see here. What did he find in a secret drawer? Who do you think had put it in there? वो जो secret drawer होता है एक table के अंदर में उसमें जो है ना कि author क्या पाता है उसमें क्या मिलता है उसको और आपको क्या लगता है कि किसने उसमें उस चीज़ को रखा होगा है ना तो आइए second क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ second क्वेश्चन का जो आंसर है आपका उसका इन द सेक्रेट ड्रॉवर ऑफ द डेस्क द ऑथर फाउंड ए स्मॉल टीन बॉक्स जो सेक्रेट ड्रॉवर होता है उसमें जो लेखक होता है जो ऑथर होता है एक सा उसको मिलता है और इट है लेटर इन इट और उस टीन बॉक्स में क्या होता है एक छोटा सा लेटर होता है, है ना आई थिंक द ऑनर ऑफ द रोल टॉप डेस्क माइट है मुझे ऐसा लगता है यानी हमें ऐसा लगता है कि जो ऑनर होगा उस टेबल का वही उस लेटर को उसमें क्या किए होंगे रखे होंगे तो दो क्वेश्चन का जो आंसर है आपको यहाँ फर्स्ट और सेकेंड का मिल गया ये ओरल कंप्रिहेंशन चेक का क्वेश्चन आंसर है ओके ना तो ये एक मैं करके बता दिया इसके बाद और भी आपको हर पैराग्राफ के बाद कुछ ओरल कंप्रीहशन चेक के क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आपको सेल्फ करना है होमवर्क में आप करके कॉपी दे दोगे उसको चेक करके जो है कि आपको फिर से वापस दे दिया जाएगा ओके आगे जो है हम लोग जो टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का जो मेन क्वेश्चन आंसर है उसको एक एक करके देख लेते हैं आइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है चैप्टर का वो देखते हैं हम लोग लेसन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर क्या लगता है आपको कि कॉनी ने कब से उस लेटर को जो है कि कितने समय तक अपने पास रखा था जिम्स के लेटर को गिव रीजन फॉर योर आंसर तो आंसर आपका आएगा है कॉनी हैड हेटकेम जिम्स लास्ट लेटर टिल जनवरी ट्वेंटी फाइव नाइनटीन फिफ्टी द लेटर वॉज ये आंसर इसलिए होगा आपका कि जैसा कि आप स्टोरी में ऑलरेडी जो है ना कि आप स्टोरी में पढ़ चुके हैं कि जो लेटर है वो दिसंबर ट्वेंटी सिक्स दिसम्बर नाइनटीन फोर्टी फोर्टीन को लिखा गया है जिम्स जिम मैरफोन के द्वारा है ना अपनी पत्नी को यानी ठीक क्रिसमस के एक दिन बाद वो लिखता है और उस लेटर में क्या रहता है लास्ट क्रिसमस जो ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर नाइनटीन फोटीन को जो क्रिसमस का सेलिब्रेशन होता है उसके अबाउट उसमें डिस्कशन रहता है और वो लेटर जो होता है कब रिसीव करती है कौन है उसको रिसीव होता है ठीक एक महीने के बाद लगभग जनवरी में ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी नाइनटीन फिफ्टी को तो ये जो डेट है ये लेटर का है है ना और इतने दिनों तक जो है ना कि लेटर जो है कि कौन के पास रहता है जो सेकंड क्वेश्चन है आपका इसमें ध्यान देंगे सेकंड क्वेश्चन आपका है कि व्हाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन आपको क्या लगता है कि डेस्क को आखिरकार बेचा क्यों गया और कब बेचा गया तो आंसर होगा द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन कॉनीज हाउस हैड बर्न जब कॉनी का जो घर था वो जल गया था जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी गया है तो उस समय जो है कि डेस्क को बेचा गया होगा कॉनी के द्वारा द टेबल हैड बीन डैमेज बाई फायर एज वेल एज वाटर और टेबल का जो कंडीशन जो था वो एकदम से क्या था खराब हो गया था और इसलिए उसको क्या किया गया बेचा गया होगा वो पानी से और फायर से क्या हो चुका था डैमेज हो चुका था पूरी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग क्वेश्चन जो थर्ड है आपका व्हाई डू क्वेश्चन देख लेते हैं पहले व्हाई डू जिम एंड थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्स डू यू एग्री ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही सबसे टॉप क्वेश्चन है इस चैप्टर का है ना तो क्या है कि जिम्स और हैंस जो थे जिम्स कौन था जिम जो था वो आपका जो ब्रिटिश सोल्जर हैं है ना जो ब्रिटिश आर्मी है उनका हेड होता है हैंस जो होता है वो जर्मन आर्मी जो होते हैं वो उनका जो होता है कि हेड होता है तो ये दोनों जो होते हैं कि क्या सोचते हैं थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्स कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है डिस्टेंस इनिमिटी दुश्मनी दूरियाँ इस दोनों को दूर करने के लिए है ना स्पोर्ट्स जो होते हैं गेम्स जो होते हैं वो सबसे अच्छे तरीके हैं है ना दूर करने के लिए फ्रेंडशिप में बदलने के लिए तो आपको क्या लगता है ये आपको लिखना है कि क्या ये सही आप है आप इससे अग्री हैं आइए हम लोग आंसर को देखते हैं तो इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चैप्टर वॉट एवर वी हैव फाउंड ड्यूरिंग द स्टडी दैट द बोथ जिम एंड हैंड्स वी सोल्जर्स पहले तो ये बता दिए कि जिम और हैंड्स दोनों क्या थे एक सैनिक थे बोथ वर वार्म हार्टेड दोनों का जो मन था वो एकदम साफ था दे हैड सीन द सफरिंग्स ऑफ वार वो जो जैसा कि पढ़े हैं कि ये लेटर जो है ये स्टोरी कब की है ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार जब चल रहा था उस समय तो उन लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो भी लोग उससे सफ़र हो रहे थे उसके पेन को उसके स्वरों को उन्होंने देखा था है ना सो इट वॉज नेचुरल फॉर देम टू हेट वार इसलिए उनके लिए ये बहुत ही आसान हो गया था अब कि अब वो युद्ध से क्या करने लगे थे नफ़रत करने लगे थे दे फेबर्ड अ पीसफुल सोल्यूशन टू सेटल डिस्प्यूट डिस्प्यूट्स यहाँ पर एक वर्ड आया है आप देख सकते हैं तो डिस्प्यूट्स का मतलब होता है बहस करना है ना जो लड़ाई होता है वो क्या करना चाहते थे वो एक शांति तरीके से है ना एक बैठ करके बात करके इन सभी चीज़ों को सॉल्व करना चाहते थे जो वार था गेम्स और स्पोर्ट्स दे सेड उन्होंने कहा कि वर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट आई ऑल्सो क्वाइट एग्री विद देम और जैसा कि चैप्टर में पढ़ाया भी गया है कि उन लोगों के बीच में क्या होता है क्रिसमस के डे के दिन वो लोग एक फुटबॉल मैच खेलते हैं उसमें जो जर्मनी होता है वो विन भी करता है जीतता भी है लेकिन फिर भी एक फ्रेंडली इन्वॉरमेंट में वो लोग लो मैच को खेलते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं कि फिर कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं उस मैच के लिए तो इस तरह से हमें लगता है कि हाँ गेम्स और स्पोर्ट्स जो होता है वो एक कैन बी अ गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट करने कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए दूर करने के लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है एंड आई ऑल्सो क्वाइट एग्री विद देम और इससे हमें एग्री होना चाहिए तो ये जो था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका तो समझ जाएंगे तो लिखेंगे याद तो करेंगे ही लेकिन अगर समझे रहोगे ना तो दैट विल बी फार बेटर फॉर ड्यू देट विल बी फार बेटर फॉर योर एग्जाम के लिए आपके बहुत अच्छा रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर क्या आपको लगता है कि जो सोल्जर्स होते हैं दो सेनाओं के है ना वो एक दूसरे को क्या करते हैं पसंद करते हैं और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर और क्या वे एक दूसरे से फिर अलग होते हैं फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी एविडेंस जो वर्ड आया है एविडेंस का मतलब होता है सबूत है ना प्रूफ जिसको आप कह सकते हैं प्रूफ हम कह सकते हैं तो वैसा कुछ प्रूफ स्टोरी से क्या करना है कि फाइंड करना है और बताना है कि क्या ऐसा होता है कि जो दो आर्मी होते हैं जो सोल्डर होते हैं आर्मी के वो एक दूसरे को पसंद करते हैं या वो एक दूसरे से क्या होते हैं अलग होते हैं आइए आंसर देखते हैं कि क्या है ऑल ह्यूमन बींग्स आर अलाइक इन मैनी वेज जैसा कि हम जानते हैं आज वीनो कि सभी ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं उनके नेचर अलग होते हैं है ना जो वे ऑफ थाट होता है उनका वो दूसरा होता है तो दे लव पीस एंड हेट वॉर और ह्यूमन बीइंग का एक नेचर भी होता है जनरली कि हम लोग शांति को क्या करते हैं पसंद करते हैं और नफरत करते हैं युद्ध से लड़ाई से झगड़ा से हम नफरत करते हैं दे वॉन्ट टू लिव टुगेदर है ना एक चीज़ कॉमन है सब में क्या कि सभी लोग एक साथ ही रहना चाहते हैं ओके एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टोरी अब एक चूंकि स्टोरी को टच करने के लिए बोला है एविडेंट को तो उससे क्या देखने को मिलता है देन देवर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम ए क्रॉस नो मैंस लैंड है ना वे लोग क्या करते हैं वर कॉलिंग आउट टू अस वे लोग हम लोगों को क्या करते हैं कॉलिंग आउट टू अस यानी बुलाते हैं जर्मन जो होते हैं जर्मन जो सेना होते हैं है ना जो फ्रिंट जी जिनको कहा गया है जर्मन आर्मीज़ को वे लोग अपने तरफ से ऑफर करते हैं किसको? ब्रिटिश आर्मी को इंग्लिश आर्मी को है ना कहाँ से फ्रॉम ए क्रॉस नो मैंस लैंड जो बीच का जो बॉर्डर होता है उसको क्रॉस करके वो लोग आते हैं और इनको ऑफर करते हैं और विश करते हैं क्या बोलते हैं कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी टॉमी का मतलब क्या है यहाँ पर टॉमी जो बोला गया है वो सिर्फ किसी एक व्यक्ति को नहीं बोला गया पूरे ब्रिटिश सोल्डर को टॉमी कहा जाता था हैप्पी क्रिसमस वेन ही वी हैड गॉड जब उन लोगों ने देखा तो ये लोग हैप्पी क्रिसमस उसको जो जर्मन सेना है विश किए इसे ये पता चलता है कि एक दूसरे को जो वो लोग क्या करते हैं कि सपोर्ट भी किए हैं यहाँ पर और एक दूसरे को वो पसंद भी करते हैं तो ये ह्यूमन नेचर है हमारा तो क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पर है क्वेश्चन फाइव देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन फाइव क्या है कि मैंसन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस आपको कई सारे वेज बताने हैं जिसमें द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स जो होते हैं वो फ्रेंड्स बन जाते हैं वो प्रूफ बताना है एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस और क्रिसमस के दिन उनके बीच क्या क्या कॉमन होता है ये चीज आपको बताना है आइए आंसर देखते हैं हम लोग लेट सी द आंसर लिसन द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर बिलोंग टू डिफरेंट कैंप्स दोनों अलग अलग कैंप से बिलोंग करते थे जो ब्रिटिश सोल्जर थे वो अपने कैंप से अपने कंट्री से जर्मन जो थे अपने कंट्री से इनका नेचर अलग था उनका नेचर अलग था बट कुछ चीजें थीं जो कॉमन थीं उन लोगों में वो कब पता चला ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस के सेलिब्रेशन के टाइम उनको पता चलता है दे वेयर इन एमिज इन वार टाइम वो लोग एक दूसरे के दुश्मन थे जब वार चल रहा था बट आफ्टर ऑल द वेयर ह्यूमन बींग्स एंड देयर फॉर दे हैड सिमिलर फीलिंग्स उसके बाद एक दूसरे के दुश्मन तो थे ही लेकिन आखिरकार थे क्या ह्यूमन बींग्स ही थे ह्यूमन ंग्स का मतलब ये हो गया कि आपके अंदर ह्यूमैनिटी तो रहती ही है एक इंसान के अंदर मानवता नाम की चीज होती है तो वो उनके अंदर थी एंड देयर फॉर दे फीलिंग और इस वजह से ये जो एक चीज था दोनों के अंदर सिमिलर था दोनों सोल्डर के अंदर दे शेयर द फेस्टिव स्प्रिट ऑफ द क्रिसमस और क्रिसमस के दिन जो भी फेस्टिव चीजें थी उन चीजों को उन लोगों ने क्या किया है आपस में शेयर किया है ओके दे गॉट ओवर हैटेड एंड प्लेड प्लेड गेम्स वे लोग जो नफरत है उसके ऊपर क्या करते हैं विन करते हैं विक्ट्री लेते हैं और एक साथ गेम खेलते हैं फिस्टेड एंड ड्रैंक लाइक गुड फ्रेंड्स फिस्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ को एक साथ भोज करना खाना पीना है ना और एक अच्छे दोस्त की तरह गुड फ्रेंड्स की तरह वो लोग हैं ना कि आपस में मिल जाते हैं और क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं बोथ हेटेड है वार और दोनों सैनिक जो होते हैं दोनों तरफ के जो ट्रूप होते हैं वार से क्या करते हैं नफरत करते हैं बोथ वेयर एनेक्सियस टू गो बैक टू दियर फैमिलीज एट द एंड ऑफ वार और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कि दोनों तरफ की जो सेना होती है आर्मीज होते हैं वो अपने अपने घर वापस जाना चाहते हैं कि वार जल्द से खत्म हो तो उन लोगों का यही मानना होता है कि जितना जल्दी वार खत्म होगा है ना एज सुन एज वार विल बी एंड दे विल रिटर्न दियर होम वे लोग अपने घर वापस जाएंगे इसलिए भी वो लोग क्या चाहते थे कि आपस में इसको सॉल्व करना चाहते थे इस जो वार को है एक फ्रेंडशिप के द्वारा चलिए तो क्वेश्चन फाइव समझ गए क्वेश्चन सिक्स देखते हैं लिसन क्वेश्चन सिक्स जो है कहता है कि व्हाट इज कौन इज क्रिसमस कौन ही क्रिसमस ही जो थे जो जिम की वाइफ थी है ना जो ब्रिटिश सोल्डर का लीडर था उसके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट क्या था वाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड जैसा कि स्टोरी के टाइटल को ही बता दिया गया है कि द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड यह कॉनी के लिए जो लेटर होता है जो ऑथर जो है और वो खुद जाकर के उसको देता है इसको वो बेस्ट क्रिसमस प्रजेंट बताती है दुनिया का ऐसा क्यों कहती है वो आइए आंसर में देखते हैं देखिए आंसर क्या है आपका कि कॉनी थॉट दैट कॉनी ने क्या सोचा कि जिम हैड कम बैक जब उसने ऑथर को देखा तो उसे लगा कि शायद जिम वापस आ गया होम फ्रॉम वार अपने घर वापस आ गया कहाँ से वार से सी मिस टुक द ऑथर फॉर जिम एज वी हैव स्टडीड जैसा कि हमने पढ़ा है वो गलती से क्या करती है जो लेखक है जो राइटर है उसको जिम समझ बैठती है सी हैड बिन वेटिंग फॉर हर हस्बैंड जिम इसलिए क्योंकि वो बहुत लंबे समय से फॉर अ लॉन्ग टाइम सी हैड बिन वेटिंग फॉर हर हस्बैंड जिम के लिए वो अपने हस्बैंड के लिए एक लंबे समय से वेट कर रही थी और इसलिए वो गलती से ऑथर को ही क्या समझ लेती है जिम समझ लेती है चूँकि वो उसका लेटर उसको वापस देने जाता है जो कि जिम ने लिखा था सो द कमिंग होम ऑफ जिम वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर तो ये वो समझती है कि जिम वापस आ गया है ना फॉर होम सी वाच वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम जिसके लिए वो बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी तो अब उसके लिए उससे ज़्यादा कुछ नहीं था उस टाइम और इसलिए वो जो दिन था वो कौन सा डे था वो ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ दिसंबर नाइनटीन फिफ्टीन है ना का डे था और वो क्रिसमस का दिन था इसलिए उसे लगता है कि ये क्रिसमस का सबसे बेस्ट प्रेजेंट है उसके लिए तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स था क्लियर हो गया होगा सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन एंड आई थिंक इट इज द लास्ट क्वेश्चन डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज स्टोरीबल फॉर इट क्या आपको लगता है कि अकॉर्डिंग टू स्टोरी वट एवर वी जो कुछ भी हमने स्टोरी में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग जो स्टोरी का जो टाइटल है वो सही है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड या फिर कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल्स या आपके अकॉर्डिंग कुछ और होना चाहिए आइए का आंसर देखते हैं हम लोग कहता है कि डिसाइडली द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज मस्ट सुटेबल जैसा कि स्टोरी हम लोग पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग तो स्टोरी का जो टाइटल है वो बहुत ही अच्छा है फॉर द ओल्ड कॉनी होता क्या है इसमें क्यों अच्छा है ये बता दे क्योंकि जो बूढ़ी कॉनी जो होती है जेम्स की वाइफ नो अदर प्रेजेंट प्रजेंट हैव गि हर सच जो द कमिंग होम ऑफ जिम कोई भी दूसरा ऐसा गिफ्ट नहीं था जो कि उसको उतनी खुशी देता उस क्रिसमस के दिन जितना कि उसके जिम के घर वापस आने का था हर हस्बैंड जो कि उसका हस्बैंड था हर प्रिज्यूम्पन माइट बी रॉन्ग हाँ भले ही वो क्या करती है गलती से ऑथर को क्या कर सकती समझ बैठती है वो समझ बैठती है कि प्रिज्यूम्सन का मतलब होता है अंदाज लगाना है ना उसका अंदाजा भले ही गलत हो सकता है कि जो ऑथर है वो जिम है बट सी गॉट द ग्रेटेस्ट है ना बट सी गॉट द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ आर लाइफ लेकिन उसको उस दिन क्या होता है अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिलती है सिंस द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड क्रिसमस और दूसरी एक चीज़ क्या है कि जो स्टोरी है ये क्रिसमस से ही शुरू होता है 1914 को क्रिसमस से ही शुरू होता है क्योंकि जिम ने 26 दिसंबर 1914 को लेटर लिखा है है ना और फिर जा कर के एक साल बाद ये नेक्स्ट ईयर 1915 को ट्वेंटी दिसंबर को ये लेटर ऑथर के द्वारा कौन ही को पहुंचाया जाता है तो क्रिसमस से इसका अच्छा रिलेशन रहता है तो ये जो चैप्टर है जो स्टोरी है द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड क्रिसमस के आसपास घूमती है द अल्टरनेट टाइटल ऑफ द स्टोरी कुड बी वार एंड पीस और अगर देखा जाए तो दूसरा टाइटल इसके बदले ये हो सकता था कि वार एंड पीस हो सकता था क्योंकि वार से स्टार्ट हुआ है ये लेटर सॉरी ये स्टोरी और जाकर के लास्ट में एक पीसफुल रिजल्ट निकलता है तो वार पीस हो सकता है या क्रिसमस गिफ्ट हो सकता है बट नाइदर कैन बी अ मैच टू द प्रजेंट टाइटल लेकिन जो प्रजेंट टाइटल जो दिया गया है क्या द बेस्ट क्रिसमस प्रजेंट इन इन द वर्ल्ड तो इससे ये जो है ना कि ये मैच नहीं कर पाता है यानी कि उतना सूटेबल वो जो हमारा जो टाइटल है वार एंड पीस और क्रिसमस गिफ्ट नहीं हो पाएगा जितना कि प्रजेंट टाइटल है तो ये जो है कि आपके देर आर सेवन क्वेश्चंस ऑफ़ दिस चैप्टर आपका है हर क्वेश्चन का आंसर जो है कि क्लियरली लिखा हुआ है यू कैन नोट राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड विथ पॉज द वीडियो वीडियो को आप पॉज करके जो है ना कि हर क्वेश्चन का आंसर क्लियरली आप फिर कॉपी में लिख लेंगे एक चीज और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ जिससे हो सकता है कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो शुरू में कुछ डेट्स दिए गए हैं देखिए डू यू नो विच विवेंट द डेट्स बिलो रिफर टू तो ये जो डेट्स है इससे क्वेश्चन आ सकता है कि ये डेट जो है कि किस इवेंट को आइडेंटिफाई करता है है ना तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर भी शायद बुक पे आपके दिया हुआ है लेकिन फिर भी मे भी अगर नहीं मिला तो मैं क्लियर करता हूँ जो फर्स्ट डेट है फोर्थ जुलाई सेवनटीन सेवेंटी सिक्स है ना इसके लिए देखिए यहाँ पर आपका आंसर दिया है कि जो वो जो डेट है अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो फर्स्ट जो आपका डेट है ना उस दिन क्या होता है फोर जुलाई सेवनटीन सेवनटी सिक्स को उस दिन अमेरिका का जो है ना कि इंडिपेंडेंस डे जैसे हमारे यहाँ होता है फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन फोर्टी सेवन हम मानते हैं तो अमेरिका को उस दिन डिक्लेयर किया गया था कि अमेरिका जो हो गया था क्या हो गया था आजाद हो गया था ओके जो सेकेंड आपका है इसमें जो डेट है सेकेंड जो डेट है सेवनटीन दिसंबर नाइनटीन हंड्रेड थ्री ये जो डेट है तो इसमें जो है आपका दिया हुआ है कि विल्बर एंड ऑरविल राइट मेड द फर्स्ट फ्लाइट ये जो दो साइंटिस्ट होते हैं ये सबसे पहले क्या करते हैं एक फ्लाइट बनाया रहते हैं इन लोगों ने ही फर्स्ट फ्लाइट बनाया हुआ है रिमेनिंग इन द एयर जो कि हवा में कितने देर तक रहता है ट्वेल्व सेकेंड्स एंड कवरिंग वन फुट ट्वेंटी फीट की हाइट पर वो जाता है और ट्वेल्व सेकेंड्स जो होता है कि वो हवा में रहता है है ना सी जो है आपका इसमें देख लीजिए जो सी जो डेट है और सिक्स अगस्त 1945 है ये डेट जो इंडिकेट करता है हिरोशिमा डे को बहुत ही पॉपुलर नेम है आप अपने एस एस के बुक में भी पढ़े होंगे यानी एटॉमिक बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन जापान में जो हिरोशिमा जो प्लेस है वहाँ पर एक एटॉमिक बॉम्ब जो है कि गिराया गया था इस दिन को और इस समय से इसको हीरोसीमा डे के नाम से सिक्स अगस्त नाइन्टीन को हर साल हम सिक्स अगस्त को पढ़िए और डे सेलिब्रेट करते हैं डी जो है थर्टी जनवरी नाइनटीन फोर्टी एट ये अपने इंडिया से रिलेटेड है है ना बहुत ही पॉपुलर है एसोसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी यानी जो महात्मा गांधी जो है कि थर्टी जनवरी नाइनटीन फोर्टी एट को ही हमारे बीच से चले गए थे है ना तो उनका जो एसोसीनेशन हम सेलिब्रेट करते हैं है ना उसके बाद ई जो है आपका ट्वेल्व अप्रैल नाइनटीन सिक्सटी वन इस दिन जो है ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूडीए गैगरीन बीकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट द अर्थ ये हो गया एंड द लास्ट वन एफ ट्वेंटी जुलाई नाइनटीन सिक्सटी नाइन नाइनटीन सिक्सटी नाइन इट इज़ वेरी फेमिलियर डेट इस डेट से आप फेमिलियर होंगे नील मार एस आर में स्ट्रॉन्ग वेरी पॉपुलर नेम ऑलवेज यू लिसन बीकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू सेट फुट ऑन द मून ये पहले ऐसे व्यक्ति थे है ना जो कि मून पर जो है कि अपना पैर रखे थे यानी मून पर गए हुए थे नील आर में स्ट्रॉन्ग और ये कब गए हुए थे तो वही जो डेट है ना कि बताया जा रहा है यहाँ पर कि ट्वेंटी जुलाई नाइनटीन सिक्सटी नाइन को तो दिस ऑल आर द सल्यूशन ऑफ़ योर दिस चैप्टर इस चैप्टर के सारे सोल्यूशन जो हैं आपको करा दिए गए डेट्स हो गए जो क्वेश्चन आंसर थे टोटल सेवन क्वेश्चन थे वो आपने देख लिए और लास्ट में यही कहूँगा कि सारे जो क्वेश्चन थे आप अपने फेयर कॉपी में क्लियरली जो है कि ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करके आप लिख लेंगे और ये जो ओरल कॉम्प्रीहशन चेक है जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मैं इसका बस एक पार्ट करा दिया हूँ बाकी तीन से चार पार्ट शायद और उसको आप सेल्फ कर लेंगे क्योंकि सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इससे पता चलेगा कि आपने स्टोरी को गेन किया है कि नहीं एंड उसके बाद मैं कॉपी चेक कर लूँगा तो ये आपका चैप्टर कंप्लीटली जो है कि खत्म हो गया इसके बाद भी कोई डाउट डाउट होगा तो उसको हम लोग लाइव क्लास में डाउट को क्लियर करेंगे चलिए So, thank you. Have a nice day. Follow the lockdown and respect your parents at your home. Goodbye.